अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, मैं सैम टीम अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अदविया मरफुदा में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं अपना, नेक्स्ट दवा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अदविया नबातिया। अदविया नबातिया में आज हम लेंगे पे की दवाएँ हम पढ़ रहे हैं, उसी के कंटिन्यूशन में आज हम ले रहे हैं पुदीना। पुदीना के जो बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, ये है मैंथा अरवेंसिस। पुदीना के अगर आप लोग बॉटनिकल नेम देखेंगे तो इसकी पुदीने की बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और हर स्पीशीज़ का नाम अलग अलग है, लेकिन यहाँ जो हम दवाई एतबार से दवाओं में जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो पुदीना को ही को इस्तेमाल किया जाता है, और पुदीना को ही का जो बॉटनिकल नेम है वो मैंथा अरवेंसिस है। पुदीना के कई मुतरादिफ़ नाम हैं, जैसे पुदीना के नाम से तो हम सभी जानते हैं और इसको फौदंज भी अरबी में कहा जाता है और इसे नाना के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब माहियत की इसकी बात कर लेते हैं। पुदीना के बारे में मुझे नहीं लगता ज़्यादा मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी के घरों में पुदीना आता है, सब ने खाया है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, सब लोग जानते हैं पुदीना कैसा होता है, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा ही बता देती हूँ, ये खुशबूदार पौधा होता है पुदीना। आप लोग सब इसकी स्मेल से भी इसकी वाकिफ़ होंगे कि इसकी अच्छी सी इसकी खुशबू होती है। और इसका पौधे की बात करें तो बहुत ऊंचे पौधे नहीं होते हैं पुदीने के, बस एक मीटर तक इसकी मैक्सिमम हाइट होती है इसके पौधे की। और इसकी कई किस्में, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि इसकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो पुदीना को ही हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये पुदीना को ही ये जापान में, हिंदुस्तान के सर्द इलाकों में, चीन वगैरह में ये पाया जाता है। और जापान और चीन में तो जो मैंथॉल होता है उसको हासिल करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इसकी काश्त की जाती है, यानी इसकी खेती की जाती है वहाँ पर। हमारे यहाँ भी काफ़ी पैदा होता है पुदीना, लेकिन ये काफ़ी जो मरतूब जगहें होती हैं, ठंडे इलाके होते हैं, वहीं पैदा होता है ये। पुदीने का मिजाज हॉट एंड ड्राई ही, यानी कि ये गर्म खुश्क होता है। अब इसके एक्शंस की बात करते हैं तो ये हाजिम एक्शन रखता है अपने अंदर, यानी डाइजेस्टिव है, कासरे रिया है, मुकव्वे मैदा है, गैस्ट्रिक टोनिक का काम भी करता है, और ये अपने अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी रखता है, यानी कि ये दाफे ताफुन भी है, और ये मुद्रे बॉल है, यानी कि ये इदरारे बॉल करता है, डायूरेटिक एक्शन रखता है, और ये कातिले किदम यानी वर्मिसाइडल एक्शन भी रखता है अपने अंदर। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दर्द शिकम यानी मैदे में, अगर पेट में किसी के दर्द है, मरोड़ है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नफ़ा शिकम, ज़्यादा गैस बनने की वजह से पेट में दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। खाया व मतली, यानी किसी को ऐसा लग रहा है कि उसे वॉमिटिंग होने वाली है या किसी को खाया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी हम इन तीनों कंडीशन में मरीज़ को इसका सफ़ू बना के खिला सकते हैं, या फिर इसको जोशांदे की फॉर्म में दिया जा सकता है। हैज़ा में भी इसका अच्छा इफ़ेक्ट है, और इसे एहतबा से बॉल के लिए, जैसा कि ये मुद्रे बॉल एक्शन रखता है, इसलिए हम इसको एहतबा से बॉल में, जिन मरीज़ों में डिटेंशन ऑफ यूरिन की कंप्लेन होती है, हम उनमें पुदीना को ही को इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये दीदाने अमा यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को बाहर खारिज कराने के लिए इसका जोशांदा मरीज़ को पिलाया जाता है, या फिर इसका हुकना आँतों में दिया जाता है, तो जिससे जो कीड़े होते हैं आँतों में वो बाहर खारिज हो जाते हैं। मकदार खुराक है इसकी 3 से लेकर 5 ग्राम, और इसके अंदर कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं, पैंथीन होता है इसके अंदर, एसिटिक एसिड होता है, और इसका मेन कंपोनेंट होता है मैंथॉल। अतिब्बा ने लिखा है कि इसका मुज़िर असर आँतों पर होता है, लेकिन एज सच इसका कोई मुज़िर असर अगर हम नॉर्मली डेली यूज़ में अगर लेते हैं और इसकी जो मकदार खुराक है उसमें मरीज़ को इस्तेमाल कराते हैं, तो इसका एज सच कोई मुज़िर असर देखने में नहीं मिलता है हमें। मुसले है इसका कतीरा,
खतीरे किस्म की गोंद होती है। मशहूर मुरक्कब है इसका, एक तो जवारिश पुदीना काफ़ी मशहूर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल कराया जाता है। और अरख पुदीना ये काफ़ी मशहूर इसके मुरक्कब हैं ये दोनों, जवारिश पुदीना एंड अरख पुदीना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दवा के साथ। अल्लाह हाफिज़।